नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रैक एग्जाम उमेश भयाना चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हाँ दोस्तों, सही देख रहे हो, शोले फिल्म के जय वीरू याद कराएंगे, हिंदी के घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण वर्ण। यह ऐसा टॉपिक है कि इसको हम कई बार याद करते हैं और भ्रमित होकर इससे आए हुए प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को देखने के बाद मेरा पूरा दावा है आप घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण इससे आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। अब आपके सामने स्लाइड है। स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर वर्ण भेद। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर दो भेद हैं। पहला भेद है सघोष और दूसरा भेद है अघोष। तो हम सबसे पहले सघोष को याद करेंगे। सघोष को याद करने से हमें अघोष स्वतः ही याद हो जाएगा। सघोष देखिए, सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब आपको इसमें एक पिक दिखाई दे रही है जिसमें धर्मेंद्र टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है और जोर से चिल्ला रहा है, पूर्ण स्वर के साथ चिल्ला रहा है, यार लव है। नीचे बसंती खड़ी है और बसंती से कह रहा है यार लव है, तुझसे मुझे प्यार है, पूरे स्वर के साथ कहता है। तो बसंती पूछती है कि पूरे साल करेगा ना? कि हाँ 345 दिन करूँगा। कि पूरे साल क्यों नहीं? कि भाई 20 दिन कमाऊँगा अभी तो सही, तो इसलिए 365 दिन नहीं, 20 दिन घटा लो, 345 दिन आपसे मैं प्यार करूँगा। दोस्तों, इसी ट्रिक से सघोष वर्ण हमें याद हो जाएंगे। पूर्ण स्वर से बहुत जोर से बोलता है, तो पूर्ण स्वर से बोलता है तो सभी स्वर 11 स्वर हैं। यार लव है, य र ल व ह, ये 5 वर्ण और 345 दिन। तो जो हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण। तो इस तरह से 5 वर्ग के 3 वर्ण 15 वर्ण हो गए। तो कुल वर्ण हो गए आपके 31। तो हाँ दोस्तों, आपसे प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि स्वर घोष है या अघोष है, तीसरा चौथा वर्ण कौन सा है, घोष है अघोष है, या ह किस तरह का वर्ण है, या सघोष में कुल कितने वर्ण आते हैं, और अघोष, अगर आपको सघोष समझ में आ गया तो अघोष याद करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। तो अघोष में कंपन नहीं होता है, वहाँ पर तीसरे चौथे पांचवे वर्ण थे, यहाँ शेष बचे पहले और दूसरे वर्ण होंगे। और वर्णमाला में श श और स ये 3 वर्ण और बचे, इस तरह से कुल 10 + 3 13 वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो धर्मेंद्र पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं वो ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं, बसंती से कह रहे हैं कि मैं तुझसे पूरे स्वर के साथ कहते हैं कि 345 दिन यार लव है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब अगला टॉपिक है महाप्राण और अल्पप्राण। इस पे भी हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं और प्रश्न को पेपर के अंदर गलत कराते हैं। तो महाप्राण और प्राण, प्राण का अर्थ होता है श्वास। तो श्वास अर्थात प्राण की मात्रा के आधार पर, अगर ज़्यादा मात्रा है प्राण की तो महाप्राण, और वायु की मात्रा कम है तो अल्पप्राण। हम यहाँ दोस्तों सबसे पहले महाप्राण को याद करेंगे। महाप्राण से ही स्वतः ही अल्पप्राण याद हो जाएगा। हमें अल्पप्राण याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल महाप्राण याद करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसके शरीर में
चौबीसों घंटे प्राणवायु समाई रहती है, महाप्राण रहते हैं उसमें, और महाप्राण की वजह से ही उसका शरीर गर्म रहता है। आपने अगर किसी को देखा हो कि मृत हो गया है तो ये कहते हैं ना कि व्यक्ति ठंडा पड़ गया, अर्थात मर गया है, उसमें प्राणवायु नहीं है। तो प्राणवायु की वजह से ही हमारे शरीर में ऊष्मा रहती है, तो महाप्राण। जीवित मनुष्य उसमें 24 घंटे महाप्राण अधिक श्वास की ऊष्मा रहती है। तो 24 से वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, और ऊष्मा से ऊष्म व्यंजन श श श ह। दोस्तों ऊष्म व्यंजन से भी प्रश्न बनता है कि इनको सही क्रम में जमाइए, तो इस सही क्रम को भी ध्यान रखें आप। तो दो वर्ण, पांच वर्ग के दो वर्ण हो गए, तो 10 तो ये हो गए, और 4 श श श ह, तो कुल वर्ण 14 होते हैं। इसी से हम अल्प प्राण को आराम से याद कर सकते हैं। तो जो महाप्राण के जो शेष वर्ण हैं, दूसरे चौथे वर्ण थे, उनको हटा दें तो पहला तीसरा और पांचवा वर्ण सभी स्वर और य र ल व ये भी वर्ण हैं। तो आपके पहले तीसरे पांचवें वर्ण की 15 हो गए, सभी स्वर के 11 और य र ल व के 4। इस तरह से अल्प प्राण में कुल वर्णों की संख्या 30 होती है। दोस्तों आपने इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।